हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया इनसाइट एसी 2019। 1 से लेके 50 तक हम क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम 51 से 60 की तरफ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 ये है, विद द रेफरेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती है। मान लिया हमारे पास, हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मान लिया पिज्ज़ा हम खाते हैं, तो पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है 500 रुपये। अब क्या है, पिज़्ज़ा के अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं, मान लिया भाई फ्राइड राइस हो गए, सूप हो गया, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो गई जो हम खाते हैं। तो अगर इनकी डिमांड बढ़ती है तो मे बी आदमी जो है वो पिज़्ज़ा ना खा के वो खाएगा, क्योंकि इसकी प्राइस क्या है, कम है। तो बेसिकली पिज़्ज़ा की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी पिज़्ज़ा की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत सारी हैं। तो मतलब वो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर पार्ट्स, कि अगर दूसरी चीज़ बढ़ेंगी तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए जो अलग प्रोडक्शन होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर दूसरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मान लें फैड है ज़्यादा बिक रहे हैं, या कैलीजोन ज़्यादा बिक रहे हैं, या फिर सूप ज़्यादा बिक रहा है, तो हम पिज़्ज़ा कम खा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन अ फ्री मार्केट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग अ गुड विल चेंज इफ़ अदर गुड्स आर बीइंग डिमांडेड मोर विद टाइम। बिल्कुल सही है, अगर दूसरी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी प्रोडक्शन की गुड की चेंज हो जाएगी, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं इसका आंसर। इन एवरी इकोनॉमी हैज़ टू चूजन द मैनी पॉसिबिलिटीज, वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज टू चूज फ्रॉम वन ऑफ द मैनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि उसकी बहुत सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। इफ़ द कंज्यूमर स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ द अदर गुड्स, अगर वो दूसरी डिमांड ज़्यादा करने लग जाए, लाइक से पिज़्ज़ा, द डिमांड ऑफ द कैलीजोन, दस प्रकार द प्राइस वुड गो डाउन। तो अगर पिज़्ज़ा खाना चाहे तो कैलीजोन की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर हो गया 1। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल, जहाँ पर ओनली लिखा जाए ना, समझ लो कि ज़्यादातर ऑप्शन गलत होता है ये, क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड ओनली द इंडिविजुअल बट आल्सो सोसाइटी एंड इकोनॉमी, इट इज़ अ बिग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ओके। तो आंसर हो गया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट इवेंट्स ऑफ द इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिक्स, इक्वालिक्स सोलिस्टिक देख समझने के लिए पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। देखो ये डायग्राम है इसका, इसमें 4 पार्ट होते हैं, एक होता है समर सोलिस्टिक, एक होता है विंटर सोलिस्टिक, एक होता है, दो होते हैं इक्विनॉक्स जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं, और दूसरा हम कहते हैं ऑटम। तो समर सोलिस्टिक होता है 21 जून को, विंटर सोलिस्टिक होता है हमारे पास 22 दिसंबर को, और इधर होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। सन बीच में, सन की लाइट इधर पड़ रही है और इधर पड़ रही है, तो जो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्री जो कैंसर है उस पर ज़्यादा लाइटें पड़ रही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा समर होगा, ठीक है, कहाँ पर, 21 जून को। इधर हमारे पर इसमें जो लाइटें पड़ रही हैं ये कैंसर पर पड़ रही है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पर विंटर, पीछे वाला पार्ट विंटर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इसे कहते हैं समर सोलिस्टिक और इसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक होता है 21 जून को, विंटर सोलिस्टिक होता है 22 जून को, और जो इक्विनॉक्स हो गए यहाँ पर लाइटें सन की आधे आधे से पूरी पूरी पड़ती है, मतलब आधे से पड़ेगी लाइट, आधे पर नहीं होगी। तो यहाँ पर डे और जो नाइट है, जो यहाँ पर है लाइट जो है सन की, वो हाफ हिस्से पड़ती है, तो यहाँ पर डे भी आधा होता है, नाइट भी आधी होती है। आगे बात समझ में, चारों समझ में आ गए, चलो आप पढ़ते हैं आगे, आ जाओ। ऑप्शन क्या है, इज द सोलिस्टिक ओनली द पर्टिकुलर ट्रॉपिक रिसीव डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन, अनलाइक द इक्विनॉक्स व्हेन द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन। बिल्कुल सही, वही बताया था मैंने कि जो इधर वाला होता है वो हमारे पास ट्रॉपिकल कैंसर को लेकर चलता है, इधर हमारे ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न को लेकर, जबकि दोनों तरफ हमारे पास लाइटें बराबर आती हैं। तो सोलिस्टिक इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, गलत है ये, ओनली जहाँ भी आता है मान लो हमेशा गलत है, रोटेशन भी होता है अर्थ का और रिवोल्यूशन भी होता है, इसकी वजह से दोनों हमारे पास चीज़ें पड़ती हैं। वेयर एज द इक्विनॉक्स इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन के कारण होता है। तो नीचे आप पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट 2 कि बोथ आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्सिस एक्सल टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इट इज रिवोल्यूशन एंड आल्सो रोटेशन जो रोटेशन करते डे और नाइट दे आल्सो फॉल डेट। तो आंसर हो गया इसका ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के तो चलते हैं। ऑल थ्रू द ब्रिटिश एम्पायर इन द कम टू एंड इन 1947 द पोर्तुगीज रिफ्यूज टू विदड्रॉ द टेरिटरी ऑफ द गोवा डीयू एंड दमन विच इज अंडर द कॉलोनियल सिंस 14th century। देखो पहली बात ये है कि ब्रिटिश एम्पायर तो 1947 में ख़त्म हो चुका था, पर पोर्तुगीज ने रिफ्यूज़ कर दिया था गोवा की, डीयू की, दमन की टेरिटरी देने के लिए, क्योंकि वो 14th century से रह रहे थे। गलत है, 16th century से रह रहे थे। तो आंसर हो गया सर गलत।
At time of the independence, Sikkim was a not fully sovereign country but as a protectorate of the India. बिल्कुल सही है. अच्छा प्रोटेक्टरेट क्या होता है कि मतलब उसका पार्ट तो नहीं है पर लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंडिया विल हेल्प इट. ठीक है तो आंसर हो गया. तो 53 का आंसर हो गया 2. चलो ये पढ़ते हैं. वट अच्छा वट इज द लॉन्ग बेनिफिट ऑफ द स्टीपिंग अप द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका बेनिफिट हमारे पास क्या है. इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी. देखो ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं पढ़ने में थोड़े से हार्ड लगते हैं पर लेकिन ये ऐसे नॉर्मल जाते हैं. इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. ऑब्वियस बात है जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी. एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज. ये बिल्कुल सही है. इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. बहुत 1 and 2 सी हो गया. 55 की तब चलते हैं. ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू यू एस ए इन जून 2016 जब मोदी साहब 2016 के अंदर प्राइम जब यू के यू एस गए थे तो उस टाइम पर मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया का बन गया था. इंडिया बन गया था यू एस ए का. तो उसके बारे में बात की जा रही है. तो इट कमिट द यू एस ए टू फैसिलिट टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद द इंडिया टू अ लेवल टेबल कमर्सरेट विद डेट ऑफ इट इज़ क्लोज अलायंस एंड पार्टनर्स. बिल्कुल सही है. पेपर में आ रहा था कि स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बन गया, स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बन गया, डिफेंस पार्टनर बन गया. तो सही है. इट इज़ एम टू द इंडस्ट्री कोलेब्रेशन फॉर डिफेंस को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट. देख रहे मतलब आप ना भी पढ़ोगे तो भी आप सही करके आओगे इसको. बहुत 1 and 2 हो गया आंसर. ये सीधे लैंग्वेज है ये इकोनॉमिक्स की. चलिए वट आर द यूजली अबाउट द इकोनॉमिक लीड ट्रैजेक्टरी इन इंडिया सॉरी इंडिया पोस्ट स्पेशली 1991 के बाद इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात चल रही है. तो सडन स्पीड द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. अब देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा खत्म हो जाएगा ऐसे कैसे हो जाएगा. मतलब स्पीड हुआ हमारे पास नहीं ऐसा नहीं है तो गलत हुआ. सर्विस सेक्टर ग्री फास्ट. सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा क्योंकि हमारी इंडिया इकोनॉमी हो गई थी. LPG हो गया था हमारे पास. लिबरलाइजेशन हो गया था. प्राइवेटाइजेशन हो गया था. जनरलाइजेशन हो गया. तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें हो गई तो ऑक्यूपाई तो लार्ज एरिया. तो सर्विस सेक्टर हमारा बड़ा सही है. एग्रीकल्चर सेक्टर डू नॉट श्रिंक विद टाइम. एग्रीकल्चर सेक्टर तो पहले तो हमारे पूरी इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी. फिर धीरे धीरे जब हमारा सर्विस आई मैन्युफैक्चर आया कंस्ट्रक्शन आई तो उसका एरिया कम होना शुरू हुआ. तो आंसर सी भी गलत है. माइनिंग सेक्टर सो नेगेटिव ग्रोथ. नहीं हर सब ने अपनी पॉजिटिव ग्रोथ करी सिर्फ एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ करी क्योंकि एग्रीकल्चर को कम एग्रीकल्चर को तो रिप्लेस करना चाह रहे थे. चलिए क्वेश्चन नंबर तो आंसर हो गया बी. वाट इज़ अ रिंग अराउंड द जुपिटर एंड सैटर्न एंड यूरेनस. के चार तरफ जो रिंग है वो किसकी बनी हुई है. वो बनी हुई आइस की बनी हुई है. रॉक की बनी हुई है. एंड मून्स ऑफ द प्लैनेट्स. ठीक है बहुत सारे मून्स ऑफ प्लैनेट है. तो ये भी कुछ नहीं है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डायरेक्ट छठी क्लास का क्वेश्चन है. इन नेशनल कैन बी इकोनॉमिकली वेदर इफ़ द फॉलोइंग द प्रेजेंट डिस्प्रेड द रिलेटिव स्कैरसिटी ऑफ अदर थ्री ऑप्शन. तीनों में से किसी कम होगी तो हमारे पास होगा. इन नेशनल कैन बी इकोनॉमी. नेशनल कैन बी इकोनॉमी वेल्थ इफ़ वन ऑफ द प्रेजेंट डिस्प्रेड ऑफ द. चलिए पढ़ते हैं आप. अच्छा बाउंड्री ऑफ द नेशनल. आपके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. बहुत सारे अफ्रीका है. नेचुरल रिसोर्स अफ्रीका के अंदर बहुत सारे हैं पर लेकिन उसको यूज़ तो नहीं कर पाता. उसको एफिशिएंट नहीं कर पाता. उसको उसमें जो अब डायमंड बहुत अफ्रीका के अंदर उन पर टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको निकाल के जाके उसको मतलब डायमंड को निकाल लें या कुछ और करें मतलब बड़े लेवल पर और अपने अफ्रीका को बहुत अच्छा बनाएं. तो नेचुरल रिसोर्स होना तो है पर उसका यूज़ करना भी आना चाहिए. तो आंसर ये तो गलत हो गया. टेक्नोलॉजिकली पावर विद द लेस वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ द लेबर. अगर हमारे पास लिमिट सप्लाई ऑफ लेबर है तब भी प्रॉब्लम है हमारे पास. लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. लैंड बहुत अमेजोन के जंगल पड़े हैं अफ्रीका के बाद. तो उसका यूज़ थोड़ी है उस टाइम पर उनका. तो इसलिए कोई ये भी सी ऑप्शन भी गलत हो गया. इफिशियंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू द ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस. इफिशियंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए थ्रू द ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास. ए नेशन कैन बी इकोनॉमी वेल्थ. एक नेशनल इकोनॉमिक वेल्थ हो सकता है इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट डिस्पाइट ऑफ द रिलेटिव स्कैरसिटी ऑफ द थ्री ऑप्शन. कमी होने के बावजूद भी इनमें से किसके कमी होने के बावजूद भी कि रिसोर्सिस के तो हमारे पास इकोनॉमिक वेल्थ कैसे होगा. तो हमारे पास क्या करना चाहिए. रिसोर्स का एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. चलिए आंसर हो गया डी. फिर इट इज ऑफ्टन आर्ग्यू दैट द नो केस फॉर काउंटिंग विथ फर्टिलाइजर सब्सिडीज बिकॉज. बहुत लोग कहते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए बिकॉज. क्यों नहीं चाहिए पहली बात हमारे पास क्या. दे आफ्टर बेनिफिट रिच फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज मोर देन पुअर फार्मर्स. ज़्यादातर फायदा हमारे पास रिच फार्मर्स उठा रहे हैं इंडस्ट्रीज उठा रहे हैं. रिच फार्मर्स का मतलब क्या है कि एक रिच फार्मर जमींदार है जिसके पास 100 बीघे जमीन है उसके अंदर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो उसके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं. तो वो खुद एक फर्टिलाइजर बेनिफिट ले रहा है. वो सब्सिडीज ले रहा है
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए. एंड दे डू नॉट हेल्प टू रिफ्लेक्ट द मार्केट एविडेंस एंड स्कैरसिटी ऑफ द फर्टिलाइजर. दे डू नॉट हेल्प, ये हेल्प नहीं करते रिफ्लेक्ट द मार्केट एविडेंस एंड स्कैरसिटी ऑफ फर्टिलाइजर. ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर हमारे हम जब हम सब्सिडीज देते हैं फर्टिलाइज़र पे या किसी वाटर पर सब्सिडीज़ देते हैं, तो जो लोग होते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे. कहने का मतलब क्या, यहाँ पढ़ो, इफ़ द प्राइस ऑफ द वाटर गोज़ अप बिकॉज ऑफ द लोअर सप्लाई द पीपल विल हैव द इंसेंटिव टू यूज़ ऑफ इट विद ग्रेट केयर. तो केयर के साथ पानी का यूज़ करेंगे. जैसे वो वाटर लॉगिंग बनाएंगे, अब क्या है कि चल रहा है तो पानी चल ही रहा है. फार्मर विल कल्टिवेट द वाटर इंटेंसिव क्रॉप इफ वाटर इज सप्लाइड फ्रीली. अगर वाटर हमारे फ्रीली सप्लाई होगा तो लोग उसका बहुत इंटेंसिवली यूज़ करते हैं. जो इंटेंसिव क्रॉप होती हैं जो यूज़ करते हैं, तो ला के छोड़ दिया तो पानी चल ही रहा है, चल ही रहा काफ़ी टाइम तक. तो वो कह रहा है कि एक तरह से कि है ना कि इसका भी एक सब्सिडीज़ होने का भी एक प्रॉब्लम है. अगर हम सब्सिडीज़ देते हैं तो लोग बड़े केयरलेस हो जाते हैं उसको यूज़ करने के लिए, चाहे फर्टिलाइज़र हो चाहे वो पानी हो. ठीक है, ये है इसका आंसर. तो आंसर हो गया इसका बहुत 1 and 2 लगा सकते हो. इफ़ द अर्थ स्टार्ट रोटेट ईस्ट टू वेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी करेक्ट. द प्लेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बिहाइंड ऑफ द ग्रीनविच टाइम. अच्छा, तो हमारे पास जो कह रहा है प्लेस वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच विज बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम. बिहाइंड होगा पहले होगा, ये पहले होगा, फर्स्ट होगा ये, तो यह हमसे हमारे पास अभी गलत हो गया है. अगर अगर हमारी अर्थ रोटेट करना स्टार्ट कर दे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उल्टा रोटेट करना शुरू कर दे, तो ग्रीनविच लाइन हमारी बिहाइंड थोड़ी होगी, पहले होगी सबसे पहले. क्योंकि ग्रीनविच लाइन क्या है, इसके बाद से हम आगे जाते हैं. ग्रीनविच लाइन हमारी लाइन बीच की लाइन है अर्थ की, उससे हम आगे को जाते हैं. पर लेकिन जब वो हमारे पास अर्थ ऐसे घूमेगी ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले वो पहले बनेगी ना. तो इन द केस प्रेजेंट व्हेन द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अपोजिट हैपन द प्लेस वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच विद अहेड ऑफ द टाइम. सबसे पहले वो बनेगी, ठीक है, वो सबसे आगे चलती रहेगी. अभी क्या है कि उसके आगे चलती हैं चीज़ें, तो पहला तो गलत हो गया. द प्लेस लोकेलिटी ऑफ द सेम लॉन्गिट्यूडनल नॉर्थवर्ड विल बी अहेड. देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, लैटिट्यूड होगा, क्योंकि लैटिट्यूड की बात चलती है ना ऐसे करके. लॉन्गिट्यूड से क्या मतलब, इसका अर्थ तो हमारी ऐसे घूम रही है, ना कि वो साउथ से लेकर नॉर्थ घूम रही है. हमारी अर्थ तो ईस्ट टू लेकर वेस्ट घूम रही है. जब ईस्ट से लेकर वेस्ट घूम रही है तो हम यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करेंगे. लॉन्गिट्यूड की बात हम तब करते तब वो हमारी साउथ से लेकर नॉर्थ घूम रही होती. तो आंसर हमारे पास सेकंड वाले भी गलत है. तो आप पढ़ सकते हो द टाइम वेरिएशन अक्रॉस द लॉन्गिट्यूड नॉट लैटिट्यूड. ठीक है, पहली बात. व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज द सम ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेस अलोंग विद द मेरिडियन विल हैव द मिड डे ऑफ नून वेदर द प्लेस इज साउथवर्ड और नॉर्थवर्ड. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. इट डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो आंसर हो गया इसका नन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.